दोस्तों आज है 22nd ऑफ अक्टूबर और आज होने वाला है एक रेयरेस्ट फेनोमेना जिसे हम लोग मीटियोर सावर कहते हैं, जिसमें हमें आसमान रात के आसमान में टूटे हुए तारे दिखाई देने वाले हैं। पर ये बात सच नहीं है, क्योंकि वो टूटे हुए तारे वो असल में नहीं टूटते हैं, वो हमारे कॉमेट के डेब्रीज होते हैं। जब भी हमारे सोलर सिस्टम से कोई कॉमेट पास होता है और वो सन के पास से जब आता है तो वो बर्न होता है, यानी कि जलता है, और उसके कुछ डेब्रीज जो है वो बच जाते हैं। फिर वो सारे डेब्रीज जो है वो हमारे अर्थ के पास आते हैं, और कुछ जो है वो अर्थ से पास हो जाते हैं, और कुछ जो है अर्थ अपने अंडर लेके उसको और मेसोस्फीयर में बर्न कर देता है। हमारे जो फोर स्फीयर्स होते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर को पार करके जब वो मेसोस्फीयर में हमारे अर्थ में आता है तो वहाँ पे वो बर्न हो जाता है एटमोस्फीयर के फ्रिक्शन के कारण से, और वही हमें टूटते हुए तारे के रूप में नजर आते हैं। और ये अलग अलग कॉन्स्टेलेशन में होता है, और अलग अलग कॉन्स्टेलेशन में होने के कारण हम लोग उसे अलग अलग नाम भी देते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारा लाइडिड मीटियोर सावर हुआ था, ड्रैकोनिट्स मीटियोर सावर हुआ था, पर्सिड मीटियोर सावर हुआ था, तो आज जो मीटियोर सावर होने वाला है वो होने वाला है ओरायनिट्स मीटियोर सावर। तो ओरायनिट्स मीटियोर सावर जो होने वाला है वो होने वाला है हमारे ओरायन कॉन्स्टेलेशन में, ओरायन द हंटर कॉन्स्टेलेशन। उसको तो हम लोग जानते होंगे क्योंकि वो बहुत ही फेमस कॉन्स्टेलेशन है और काफ़ी ब्राइट भी होता है। और अभी जो है हमारा जो ओरायन कॉन्स्टेलेशन है अभी ओपोजिशन में नहीं आया है, यानी कि अभी अभी कुछ दिन पहले वो हमारे सन के पीछे था, और फिर अभी सन के पीछे से वो फिर से अर्थ के ऑपोजिट साइड में आना शुरू हुआ है। तो अभी उतने ज़्यादा देर के लिए वो विजिबल नहीं होता है, वो रात के 1 बजे से विजिबल होता है सुबह के 4:30 बजे तक, तो इतने टाइम के लिए वो विजिबल होता है। और इसी टाइम में हम लोगों को देखना है अपने मीटियोर सावर। तो जो हमारा ओरायनिट्स मीटियोर सावर है वो हम लोगों को दिखने वाला है आज रात को, और उसका जो पेरेंट है यानी कि जिस कॉमेट को डेब्रीज है वो कॉमेट है 1P हेली, जो कि जब हमारे सन के पास से जा रहा था तो वो बर्न होकर उसके कुछ डेब्रीज बच गए थे, और वही आज रात को हमारे अर्थ पे दिखने वाले हैं मीटियोर सावर के रूप में, टूटते हुए तारे के रूप में। तो आज है 22nd अक्टूबर और आज उसका पीक रेट है, और पीक रेट कितना है वो है आवर्ली रेट 20, मतलब एक घंटे में लगभग हम लोग 20 मीटियोर्स को देख सकते हैं, जो कि नॉर्मल के मुकाबले थोड़ा कम है। अगर थोड़ा और ज़्यादा रहता तो और अच्छे से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मीटियोर्स देखने को। आज रात को हम लोग ओरायनिट्स मीटियोर सावर को शूट करेंगे और आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि हम लोगों ने उसे कैसे शूट किया और खाएंगे भी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो ओरायनिट्स मीटियोर सावर होने वाला है, इसके बाद काफ़ी सारे मीटियोर सावर होने वाले हैं, और जो सबसे बेस्ट मीटियोर सावर माना जाता है वो माना जाता है जेमिनिट्स मीटियोर सावर को। ये जो मीटियोर सावर होता है वो जेमिनी कॉन्स्टेलेशन में आता है, और इसका आवर्ली रेट जो होता है वो 140 होता है, और जब ये हमारा होता है दिसंबर के टाइम में तो उस टाइम जो हमारा जेमिनी कॉन्स्टेलेशन में ओपोजिशन में भी आ जाता है, यानी कि ऑल नाइट विजिबल होता है, और ये काफ़ी बेस्ट हम लोगों को देखने को मिलता है दिसंबर के मंथ में। तो सबसे बेस्ट हमारा मीटियोर सावर अभी आने वाला है कुछ महीनों में, तो आप लोग उसको भी वीडियो हम लोग डालेंगे तो आप लोग देखिए। और यहाँ पे एक फन फैक्ट ये है कि इस बार जो 14th दिसंबर है, जिस दिन हमारे जेमिनिट्स मीटियोर सावर का पीक डे है, सबसे ज्यादा मीटियोर्स दिखने वाले हैं, उस दिन हमारा न्यू मून का डे भी है, यानी कि नो मून लाइट इंटरफेरेंस होने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों यहाँ पे जो अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और अभी मैं छत पे आ चुका हूँ अपने, देख सकते हैं हमारा जो सेटअप है यहाँ पे रेडी है पूरा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने प्रो मोड भी ओपन करके रखा है, और अभी जो हमारा ओरायन कॉन्स्टेलेशन है जस्ट वहाँ पे है, आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अभी मैं सेटिंग्स को एडजस्ट करता हूँ। हम लोग शटर स्पीड को थोड़ा सा कम रखने का ट्राई करेंगे, और ISO को 3200 तक करके रखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे ये टाइम रेस्ट का ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग इस पे जाएंगे। और अभी सुबह के 3 बज रहे हैं, मेरे को और जल्दी उठने का प्लान था लेकिन थोड़ा लेट हो गया, तो कुछ देर में सुबह हो जाएगी तो हम लोग इतने फोटोज़ को रख सकते हैं, 250 फ्रेम्स होंगे। और फिर यहाँ पे अभी आपको एक शॉट लेके हम लोग दिखा देते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पिक निकल के आ गया। और इस पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक मीटियोर यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये हमारा मीटियोर है। यहाँ पे इस वाले स्टार के जस्ट यहाँ पे हमारा मीटियोर है, ये वाला जो स्टार देख रहे हैं और यहाँ पे हमारा मीटियोर है, और यहाँ पे हमारा ओरायन नेबुला है, और यहाँ पे हमारा ओरायन कॉन्स्टेलेशन है। तो चलिए अब जल्दी से अपने टाइम रेस्ट को ऑन करते हैं और फिर लास्ट में हम लोग आपको रिजल्ट दिखाते हैं। आपको सारे जो हमारे फाइनल रिजल्ट्स थे वो मैंने आपको दिखा दिए, और आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और ये जो मीटियोर शावर था वो इतना एक्टिव मीटियोर शावर नहीं था, इसलिए उतने ज़्यादा मीटियोर्स नहीं देखने को मिले। लेकिन फिर भी मैंने जितना ही फाइनल रिजल्ट निकाला उसे प्रोसेस करके एडिट करके तो वो मैंने आपको दिखा दिया। तो आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं जल्दी आपसे न्यू वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल।